कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? आज हम आपको इस लेसन का लास्ट पार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है? इस लेसन का नाम था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। आपको हमने डाइवर्सिटी का मतलब बता दिया था, है ना, और यूनिटी का मतलब भी बताया। बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, तो आप इसको अच्छी तरह पढ़िएगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी लर्न करिएगा। कल हमने आपको कश्मीर के बारे में बताया था, लद्दाख बता दिया था, कश्मीर बता दिया था। आज हम एक बार रिपीट करते हैं। आपको पता है जो कश्मीर है उसको धरती का स्वर्ग कहते हैं। ये बहुत सुंदर है। यहाँ पर एक डल, यहाँ पर एक लेक है जिसको डल लेक कहा जाता है, और एक कूलर है तो हमने आपको बताया था। डल लेक में ये हालत है कि वहाँ पर अगर आपको फ्रूट्स लेने हैं या आपको वहाँ पर फ्लावर्स बहुत मिलते हैं तो वो सब ना ये बोट में ही देखते हैं, मतलब नदी में नाव चलाकर। और वो शिकारे हाउस बोट होते हैं, छोटे छोटे मतलब बोट के ऊपर घर बने हुए होते हैं, वो झील में तैरते रहते हैं। और जब फॉरनर्स जाते हैं या टूरिस्ट जाते हैं तो उन्हीं को वो हायर करते हैं और एक या दो दिन उसी में रहते हैं। और ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है नदी में रहने का, झील में रहने का। ये हाउस बोट वहाँ के फेमस है। और एक वहाँ का कौवा, क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है तो वहाँ चाय कौवा होता है, कौवा चाय नहीं कौवा होता है, वो बड़ा स्ट्रांग होता है, उससे बहुत गर्मी महसूस होने लगती है। दूसरी बात यह है कि जब बहुत ठंड होती है तो छोटी छोटी अंगीठी होती है जिसको ये गले में लटका लेते हैं। वो अंगीठी में कोयले जलाते हैं, ये गर्म नहीं होती वो अंगीठी, उसको कांगड़ी कहते हैं। वो हल्की हल्की बस यहाँ पर गर्मी रहती है, बाकी मतलब उससे पूरी बॉडी गर्म होती रहती है कांगड़ी से, छोटी सी कांगड़ी क्योंकि आपको दिखाएंगे क्लास में मेरे पास की है। तो वो कांगड़ी लटकाए रहते हैं यहाँ तक और इस तरह वो गर्म रहते हैं और तिरन पहनते हैं लंबा वाला, ठीक है। और यहाँ पर बेटा चुनार के पेड़ बहुत पाए जाते हैं, इनकी पत्तियों को घर में भी डेकोरेट करते हैं, ये बहुत अच्छे पेड़ माने जाते हैं चुनार के। और वहाँ पर क्या है, एप्पल बहुत होते हैं, ठीक है, ऑर्चर्ड में एप्पल के केसर सैफ्रॉन केसर होती है ना, एक जाफरान भी बोलते हैं उसको, इसका पूजा के समय तिलक करते हैं, पूजा होती है और दूध में भी डालते हैं केसर, चाय में भी डालते हैं, बहुत महंगी केसर आती है। बच्चों पहले इसकी ना वहाँ पर खेती होती थी, ये सब के फूल खिलते थे, अब इतने टेररिस्ट नहीं थे, बाद में क्या किया टेररिस्ट ने जो सत्यानाश करना शुरू किया तो वो हर चीज को जलाने लगे, मतलब खेत के खेत जल गए, क्योंकि जो कश्मीरी पंडित थे उनको वहाँ से भगाया मार मार के। उसके बाद टेररिस्ट को क्या मतलब खेती करने से, ठीक है, तो ये ना चीजों को जलाने लगे जिससे कि नष्ट हो और वहाँ का जो सौंदर्य है वो खत्म हो जाए, रोटी रूटी है वहाँ की वो खत्म हो जाए। तो वहाँ अखरोट के पेड़ भी बहुत होते हैं, तो वहाँ अखिल बड़े बड़े अखरोट होते हैं वहाँ पर। और अखरोट की जो लकड़ी होती है ना वो फैंसी चीजें बनाने के काम में आती है, ये हमने आपको इस अंतर बता दिया था। इसके अलावा वहाँ पर राइस और मक्का चावल बहुत खाते हैं वहाँ के लोग, राइस और मक्का बहुत होती है वहाँ पर कश्मीर में, क्योंकि पानी की कमी नहीं है। फिर कश्मीर में निशात बाग है और वो ना ऐसे उसको ये लोग उर्दू में चश्मा बोलते हैं, चश्मा वो चश्मा नहीं जो वो होता है क्या कहते हैं फाउंटेन स्ट्रीम वो बहती है पानी की ऐसे पत्थरों के बीच से होती है, निशात बाग में पूरे से वो बहता रहता है। तो ये चीजें जो है वहाँ से सुंदरता देखने लायक है, कभी आप कश्मीर जाए जैसे ही प्लेन से नीचे उतरेंगे ना ऐसा लगेगा तो बहुत सुंदर है। तो ये सुंदरता के लिए फेमस है, कहते हैं ना अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है हमें उसको हमें उसको हमें जमीन है, ठीक है। अब प्रकृति समुद्र खत्म हो गया है वहाँ पे, तो हमने आपको बताया था वहाँ पे कोई भी जमीन खरीद सकता है कुछ भी कर सकता है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन आंसर देखिए आप इसके, ये बता के हम आपका दूसरा लेसन स्टार्ट कर देंगे। देखिए हमने इसमें आपको फॉर्मेटिव स्कोप को बता दिए थे, ठीक है, फॉर्मेटिव स्कोप भी आपको करने थे, ठीक है। मुझे नहीं पता आपने किए कि नहीं, छोटा छोटा बता देती हूँ बाकी आप खुद करिएगा। सबसे पहले
देखिए फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक पहले लिखिए, है ना, हाथ में लीजिए पेंसिल, हाथ में लीजिए और लिखिए पहला फिल इन द ब्लैंक का पहला पेज 150। बहुत से लोगों को तो दिख ही नहीं रहा होगा, दिल्ली भी नहीं खुली होगी, लेकिन आप देखिए पहला क्या है, इंडिया हैज अ रिच एंड वेरिड फ्लोरा। फ्लोरा कहते हैं बेटा जहाँ पर ये फ्लोरा एंड फ्लोरा, फ्लोरा कहते हैं एनिमल्स को और फ्लोरा कहते हैं वेजिटेबल और प्लांट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर दो ब्लैंक्स हैं, पहले में आपको लिखना है वेजिटेशन, वेजिटेशन और दूसरे में आपको लिखना है प्लांट, ठीक है। तो ये हो गया वेजिटेशन एंड प्लांट, ठीक है। फिर है सेकंड, लिविंग लैंग्वेजेस ऑफ द इंडिया रिप्रेजेंट द की फैमिली ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे क्या, ह्यूमन, एच यू एंड एन, ह्यूमन स्पीच, ह्यूमन थर्ड। पंडित नेहरू डेजिग्नेटेड द कल्चर ऑफ इंडिया, उन्होंने इंडिया के कल्चर को क्या कहा था पंडित नेहरू ने, कि आप लिखेंगे कंपोजिट, बच्चों ने तो शायद ढूंढ भी लिया होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे कभी कभी मैं, आप लोग मुझे बुलाते थे ना क्लास में कि मैडम आइए कोई स्टोरी अच्छी बात बताइए, जब आप लोग फ्री होते थे तो उस समय मैं इधर बैठे हुए इस टाइम में बैठे कुछ बच्चों को देखती थी, वो लिख भी नहीं सकते थे, ढूंढना तो अलग बात है, बहुत ठीक थे, तो उनके लिए यह खास है ध्यान दे। और उसके बाद आता है डायवर्शन ऑफ इंडिया हेल्थ का एवोल्यूशन ऑफ द पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी। और फिर लास्ट में आता है फेस्टिवल ऑफ बेंगाल, वेस्ट बेंगाल। ओके सारे खेला है ना, या आपको जाना टफ लग सकते थे, इसीलिए पहले हमने आपको ये कराया, ठीक है। अब क्यों सॉल्व कर लेते हैं, हो गए ये इसलिए आपने कराया, वेजिटेशन एंड प्लांट, ह्यूमन, कंपोजिट, पर्सनैलिटी और वेस्ट बंगाल। अब क्यों सॉल्व, पहला आर्यन एंड इंडियन प्लेट का बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। सेकेंड, बंगाल ही लाइक टू ईट रोटी एंड दाल, ये रॉन्ग है। सैफरन इज द डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट ऑफ वैली ऑफ कश्मीर, राइट। इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ विष्णु, रॉन्ग। द इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड 2 अक्टूबर आर अवर नेशनल फेस्टिवल, राइट है, ठीक है। अब देखिए आ जाइए आंसर इन ब्रीफ, विच ट्रीज वुड इज यूज टू रिपेयर फैंसी आर्टिकल, कौन सा जो है ट्री है जो फैंसी आर्टिकल बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। अप्रोच हमने आपको बताया, इंडिया जवाहरलाल नेहरू, व्हाट इज कंपोजिट कल्चर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है व्हाट इज कंपोजिट कल्चर, ये है आपकी दूसरी है, उसी में से मैं आपको बता दूँ कि 146 पर है, देखिए
कल्चर। हर क्वेश्चन आंसर है कंपोजिट कल्चर इन मेड अप ऑफ सेवरल बहुत सारे ट्रेंड ट्रेडिशन first question is the answer. First question. First question is the answer. Our fourth question is what is main attraction of West Bengal? West Bengal ka main attraction kya hai? Wahan par agar aap Kolkata mein station se utrenge to विक्टोरिया टर्मिनल इसका नाम अभी तक विक्टोरिया टर्मिनल है जो हमको याद दिलाता है कि कभी हम अंग्रेजों के गुलाम थे। ठीक है, अब बी वाला देखिए। इंडिया हैज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन दिस टर्न पॉइंट बाय पंडित नेहरू। इसको पंडित नेहरू ने कैसे एक्सप्लेन किया था ये हमको बताना है। तो इसके लिए बच्चों को ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए आप निशान लगाइए, निशान लगाइए, बहुत बड़ा है। सबसे पहले निशान लगाइए, पेज 146 ओपन करिए। ठीक है, लिखिए, पेंसिल हाथ में लीजिए। सेकेंड पैराग्राफ ऑफ ये द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया हैव गॉन अ लॉन्ग वे इन बिल्डिंग बस क्वेश्चन है, वो भी थोड़ा आपको टफ लगेगा। जवाहरलाल नेहरू पॉइंट विद एज अपोजिट कल्चर Y and H, Y.
united, be fluid, of different culture, languages, tradition, lead the leadership of इसीलिए बहुत बड़ा आंसर है, बहुत बड़ा आंसर है, लेकिन आपको लिखना है और हमने इसीलिए बोर्ड पर लिखा है जिससे कि आप इसको समझ सके। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए, आपके पढ़ने में आ जाएगा और फिर आप इसको समझिए। ठीक है, इसको पढ़िए। जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि क्वेश्चन ही यही है, जवाहरलाल नेहरू क्वाइंट एज कंपोजिट कल्चर द यूनाइटेड मिला जुला इंफ्लुएंस प्रभाव ऑफ डिफरेंट कल्चर लैंग्वेजेस ट्रेडिशन लेट द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर। इसको आप कंबाइन भी लिख सकते हैं, यूनाइटेड के बदले तो हम इसको कंबाइन करेंगे। इसको आप जरा ठीक कर लीजिए, इसको करेक्ट कर दीजिए और इसको
जल्दी से लिख लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको फटाफट लिखिए। बाकी क्वेश्चन छोड़ने पे अगर है पता नहीं आपको, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया है, और बाकी क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढ कर लिखने पड़ेंगे कॉपी में से। बाकी हमने सारे बता दिए जो आपको टफ लगते हैं, टू फॉल्स बता दिया है और फिलअप बता दिए हैं, पीछे जैसे कॉम्पेटिव बता दिया है, सारे बता दिए आपको। ये हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया है, सेकेंड फर्स्ट जो है फिर टाइम मिलेगा तो हम उसको फिर आपको वो करवा देंगे, ठीक है। उसको आप जल्दी भेजिए। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन के लिए तो इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको किसी भी तरह बीच में टाइम निकाल कर हम आपको बताएंगे, या कभी आप स्कूल आए तो आप जरूर पूछिएगा, क्योंकि अब पता नहीं आपको स्कूल में कौन पढ़ाएगा, लेकिन इतना जो मैंने आपको बताया ये बहुत है अपोजिट कल्चर, ठीक है। और इसमें देखो रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइव डिफरेंट फूड के नाम है, इंडियन सेलिब्रेट के इन सबके नेशनल फेस्टिवल्स के नाम है, ये आपको तीन क्वेश्चन चार खुद करने हैं। इसमें बहुत आसान है, फाइव और सिक्स बहुत आसान है, थर्ड वाला बहुत आसान है, केवल आपको लैंग्वेजेस लिखनी है, कहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी है, आसाम में आसामी है, मलयालम है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा लिस्ट बनाकर, तो ये आप खुद करिएगा। और मुझे पूरा पता है कि आप कर लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे तो बहुत ही होशियार है, और अगर नहीं कर पाओगे तो मैं वापस स्कूल आऊँगी, आप हमें आवाज़ दोगे, हम आपकी क्लास में आएंगे और आपको बता देंगे, ठीक है ना। तब तक आप तीन क्वेश्चन तो अपने आप करो, इसमें दो तो बहुत ईजी है, केवल आपको नाम ही लिखने फेस्टिवल के हम चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी हो गया, इसको सेव कर लीजिएगा अच्छी तरह, और फिर हम कल मिलेंगे, ठीक है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। आप टी वी में देखिएगा राम मंदिर का भूमि पूजन, आपको अच्छा लगेगा, फिर हम उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। बाय, ऑल द